सब्सक्राइब करें ANT नेशनल, नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं ANT। जींद उपचुनाव में इनेलो व जसपा की जमानत जब्त होगी, अगर वे बचा सकते हैं तो बचा ले, क्योंकि वहां से रणदीप सुरजेवाला जीत कर आएंगे। यह बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने परिवर्तन रैली के दौरान संबोधित करते हुए कही। इससे पूर्व परिवर्तन रैली में पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का वरिष्ठ कांग्रेसी नेता देवेंद्र सिंह बबली ने स्वागत किया। इस दौरान समस्त भारतीय पार्टी की राष्ट्रीय नेत्री नीलम अग्रवाल ने कांग्रेस को समर्थन की बात कही है, जिससे प्रदेश में कांग्रेस को एक और साथी मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान तंवर ने कहा कि इनेलो की बच्चा पार्टी का बुरा हाल होगा, क्योंकि ये लोग परिवार के मनमुटाव को जनता के बीच ले आए गए तथा उन्हें खुद की शेयर कर रहे हैं। आज इनेलो पूरी तरीके से बिखर गई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनेलो की जींद के अंदर जमानत जब्त होगी। अभी भी समय है इनेलो वालों, अगर बचा सको तो बचा लो। और जो उनकी बच्चा पार्टी है उसका नाम तो वैसे ही जमानत जब्त पार्टी है, JJP जमानत जब्त पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ और आपकी सरकार इस जींद चुनाव के साथ उसकी तैयारी है, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए ये दादा पोते क्या मामला चल रहा है, चाहता भतीजे का क्या चल रहा है, मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। सारे वीडियो खुद ही शेयर कर रहे हैं, अपनी फेसबुक पे शेयर करते हैं, चाचा भतीजे की ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर CBI की रेड पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को कमजोर करने की दृष्टि से उनके नेताओं पर CBI का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इससे कांग्रेस कमजोर होने की वजह पूर्ण रूप से मजबूत होगी। तंवर ने कहा कि वे इसलिए जींद उपचुनाव में कांग्रेस पूर्ण रूप से एक हो चुकी है। कि कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापे मारना, मैं समझता हूँ कि जनता और मजबूत होकर के कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। वहीं तंवर ने कहा कि जींद चुनाव के बाद भाजपा की यह सरकार गिर जाएगी तथा लोकसभा के बाद की विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे। तंवर ने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा के बागी विधायक सामने आकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, वे अब जींद उपचुनाव के बाद खुलकर सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के 22 विधायक बागी हो चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इनेलो व भाजपा के विधायक उनके संपर्क में है तथा भाजपा के 5 सांसद भी छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और कांग्रेस के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर निश्चित तौर पर दूसरी पार्टियों के लोग पार्टी को छोड़कर के कांग्रेस में भी आएंगे, सरकार भी गिरेगी और जल्दी विधानसभा के साथ लोकसभा के साथ साथ दोनों चुनाव होने की, सांसदों में भी 4-5 सांसद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ छोड़ करके इनेलो के भी हैं, भाजपा के भी हैं, और पहले हमने ज्वाइनिंग और भी लोगों की करवाई और आगे और ज्वाइनिंग भी होगी। ऐसी कितनी संख्या होगी? 22 विधायक तो भाजपा के जो है वो बगावती सुर में, जैसे ही ये होगा जब कांग्रेस की सरकार आ रही राहुल जी के नेतृत्व में, मैं समझता हूँ कि उनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। वहीं कांग्रेस व समस्त भारतीय पार्टी में हो सकता है गठबंधन, ये बात दोनों पार्टियों के गठबंधन के प्रश्न पर तंवर ने कहा कि वे गठबंधन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तंवर के इस बात के बाद वहां मौजूद नीलम अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तंवर के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हो रही है तथा गठबंधन पर विचार किया जा रहा है। फैसला इनका है, कांग्रेस में हम इनके स्वागत किए, आज तो कांग्रेस के सहयोगी के रूप में यहाँ पर है और अगर ये फैसला करेंगे तो हमारे दरवाजे खुले हुए जैसे इन्होंने कहा। और बहुत से बदलाव किए, आज जनता के बीच में ये दिखने लगा है कि BJP बहुत पिछड़ गई है, जनता खुश नहीं है, उसके उसके मंत्री खुश नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कैसी रही है जो जनता की पार्टी रही है। तो हम लोग भी बहुत सा ऐसा सोच रहे हैं, देख रहे हैं
आने वाले समय में आपको जरूर कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा, ऐसी खबर देंगे। मैत्री मजबूत गठबंधन में आगे जा रही है, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम ऐसा हो आने वाले समय में। अशोक तंवर जी के नेतृत्व में जगह जगह गई हूँ और देखी है, इनकी मीटिंग देखी है, जनता का समर्थन देखा है, तो मुझे लगता है कि बहुत बदलाव। अब आपका INT नेशनल आ गया है नए अंदाज में, खबर वही जो हो सही। MLA हर मंगलवार शाम 7 बजे सिर्फ ANT नेशनल।